एक ही निर्देश है। पहले तो बधाई इस बात के लिए कि कुछ जगह माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है वो प्रशंसनीय है, उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पृथक से विशेष अवसरों पर इसका उल्लेख भी करेंगे। और जो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं उनको पुरस्कृत भी करेंगे। लेकिन आज एक ही पंक्ति का निर्देश है मेरा, अवैध शराब का धंधा पूरी तरह से नष्ट करना है। और इस तरह के माफियाओं को कुचल देना है। और जब पूरी तरह नष्ट करना है तो केवल छोटे मोटे लोगों को नहीं पकड़ना है। जड़ कौन है, जड़ पे जा। नहीं, छोटे मोटे पकड़ के गिरफ्तार करके और FIR करके हमने छोड़ दिया। जो मूल जड़ है, मूल स्रोत है, मुरैना की घटना में भी वो OP कहां से आता था। जब तक उसको नेस्तनाबूद नहीं करेंगे तब तक केवल लाने वाले को पकड़ लिया उससे काम नहीं चलेगा। लाने वाले को तो जिसने बनाया उसको तो पकड़ नहीं है, लेकिन कहां से आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जड़ों पे हमला करो, जड़ों पर प्रहार करो। और कैसे करो ये निर्देश मैं दूं, इसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आप लोग जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। जिले के अधिकारी अगर ठान ले तो कौन को पता नहीं चलेगा कि कहां बिक रही है, कहां बढ़ रही है और कहां से आ रही है। ये नहीं हो सकता। उसने कोई विस्तृत निर्देश मैं नहीं दूं। आपके पास खुफिया तंत्र है, जानकारी देने वाले लोग बुधवार से लेके सरपंच पंचायत तंत्र उससे भी ज्यादा बड़ी चीज की जिले में कौन है मैदान होगा। ऐसा तो नहीं, पुलिस हो, आदि विभाग हो, औसत हो, आबकारी हो, उज्जैन में भी कलेक्टर SP हटाए हम, मुरैना में भी हटाए आबकारी अधिकारी को सस्पेंड, जवाबदारी कलेक्टर SP आपका अधिकारी।